वन सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ओके यू ऑल नो दैट इन अ क्लोक इफ अ क्लोक इज देयर लाइक दिस ओके देर आर थ्री हैंड्स ना आर हैंड मिनट हैंड एंड सेकेंड तीन सोईयाँ होती हैं उसमें ओके देन हाउ कैन वी फाइंड द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड this is the thing we are going to learn that is very interesting topic uh, we are going to learn and uh, very important also okay so let's try to learn something new see first thing if suppose you need to find the angle between hour hand and minute hand between hour hand and minute hand

एट नाइन टेन इलेवन ओके एंड ट्वेल्व लाइक दिस यू ऑल नो यू हैव सीन द क्लॉक इसी तरह से होती है ना एंड वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट टू फोर्टी अच्छा टू फोर्टी टू फोर्टी कब होता है देखो टू थर्टी होता है जब सिक्स पे आता है थर्टी हो जाता है ना थर्टी क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये वन लिखा हुआ है इसका मतलब है फाइव मिनट्स टेन मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी फाइव थर्टी फो थर्टी फाइव फोर्टी यानी कि जो मिनट हैंड होगा ना हमारा वो मिनट हैंड कहाँ पे आएगा मिनट हैंड विल बी ऑन एट ये मिनट हैंड आ गया एंड वेयर दिस आवर हैंड विल बी ये आवर वाला हैंड कहाँ पे आने वाला है सम वेयर बिटवीन टू एंड थ्री क्योंकि देखो ऐसा नहीं होगा कि वो टू पे ही रहे टू फोर्टी का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो टू पे रहेगा वो टू से थोड़ा आगे तो मूव करेगा ना वो टू से थोड़ा आगे मूव करेगा वो थ्री तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि थ्री तक कब पहुंचेगा वो जब थ्री ओ क्लॉक हो जाएगा पूरा तीन बज जाएंगे जब वेन देयर इज थ्री ओ क्लॉक तब वो थ्री तक आएगा बट इफ़ टू फोर्टी इज देयर दैट मीन्स इट विल मूव फ्रॉम टू ये आवर हैंड जो है वो टू से मूव करेगा बट सम वेयर बिटवीन टू एंड थ्री और जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्ट इस पर होगा सो नाउ हाउ टू फाइंड द एंगल कैसे एंगल फाइंड आउट करेंगे अच्छा देखो सबसे पहले टोटल हमारे पास एक जो क्लोक होती है टोटल कितनी मिनट्स होती हैं सिक्सटी देखो टोटल जो होता है पूरा सर्कल कंप्लीट होता है और मिनट हैंड का सिक्सटी मिनट्स में है न टोटल सिक्सटी मिनट्स इक्वल होगा कितने थ्री सिक्सटी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री वाई आई एम राइटिंग थ्री सिक्सटी डिग्री हेयर देखो ना अगर मैं कंप्लीट सर्कल पूरा करूंगा तो यहाँ पे देखो फाइव मिनट टेन मिनट ऐसे होके टोटल सिक्सटी मिनट्स और सिक्सटी मिनट्स पे कितना एंगल बना टोटल सिक्सटी मिनट्स पे थ्री सिक्सटी डिग्री एंगल बनते हैं तो वन मिनट पे कितना एंगल बनेगा एक मिनट के लिए एंगल कितना बना थ्री सिक्सटी डिग्री बट अपॉन सिक्सटी एक मिनट के लिए जो एंगल बना 360 सिक्सटी अपऑन सिक्सटी सो इट विल बी हाउ मच कैंसिल आउट सिक्स वन जिक्स सिक्स जा सो इट विल बी सिक्स डिग्री यानी कि देखो ये चीज़ तुम ध्यान भी रख सकते हो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है वन मिनट के लिए कितना एंगल बनता है सिक्सटी डिग्री वन मिनट के लिए एंगल बनता है सिक्सटी डिग्री इन अ क्लोक एक मिनट के लिए सिक्स डिग्री वन मिनट के लिए कितना बन रहा है सिक्स डिग्री ओके सो 60 मिनट्स इक्वल टू 360 सिक्सटी डिग्री वन मिनट इक्वल टू थ्री सिक्सटी बाई सिक्सटी यानी कि 6 डिग्री लिया वन मिनट इक्वल टू कितना आया 6 डिग्री नाउ वट यू नीड टू रिमेंबर देखो अब हमारा ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम देखो इन दोनों हैंड्स के बीच में इन दोनों सुइयों के बीच में हम जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं ना उनको करेंगे देखो थ्री टू फोर वन टाइम देखो ऐसे काउंट करना है वन देखो थ्री से फोर तक वन टू थ्री फोर फाइव पाँच पाँच मिनट होती है ना देखो ये फिफ्टीन होता है ट्वेंटी है ना इस तरह से तो वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि कितनी मिनट्स आ गई टोटल ट्वेंटी फाइव मिनट्स ओके आर यू गेटिंग हाउ ट्वेंटी फाइव मिनट्स देखो पाँच मिनट होती है जब थ्री से फोर पे आएगी जब थ्री से फोर पे आएगी फाइव मिनट्स टेन मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी फाइव तो यहाँ से थ्री से लेके इतना ये आ गया कितना हमारे पास ट्वेंटी फाइव मिनट्स और इस टू वाले को भी एग्जैक्ट ऐड करो इस टू वाले को भी ऐड कर लो क्योंकि हम टू से एट तक का देखो ना हम टू से और एट ये तो बाद में मूव हुआ है जब फोर्टी पे आ गया तो वो मूव हो गया टू से ऐड कर लो तो टू से लेके कर यहाँ तक आने में कितना हो गया थर्टी मिनट्स हो गया देखो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी सो थर्टी मिनट्स में थर्टी मिनट्स में कितना डिग्री आएगा अगर वन मिनट में सिक्स डिग्री है तो थर्टी में कितना आया थर्टी इंटू सिक्स इट विल बी वन एट्टी डिग्री अब देखो टू से लेके एट तक जो एंगल बनता है ना वो वन एट्टी डिग्री बनता है टू से लेके कर एट तक एंगल वन एटी बनता है बट ये जो मिनट हैंड है ये जो मिनट हैंड है ये तो थोड़ा आगे जा चुकी है ना टू से तो आगे जा चुकी है तो हम एंगल ऐसे थोड़ी लिख देंगे कि टू फोर्टी पे जो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल है वो कितना है वन एटी देखो ये आवर हैंड है सॉरी ये आवर हैंड है जो ये कितना आगे जा चुकी है थोड़ा आगे जा चुकी है तो हम पूरा वन एटी नहीं लिखेंगे थोड़ा तो एंगल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो कितना एंगल सब्ट्रैक्ट होगा कितना एंगल सब्ट्रैक्ट होगा अच्छा एक चीज ध्यान दो जब मिनट्स कंप्लीट होती हैं वन सिक्सटी मिनट्स आर कंप्लीटेड कंप्लीट सिक्सटी मिनट्स में जब सिक्सटी मिनट्स कंप्लीट होती हैं तो एक आवर हैंड जो होता है जो घंटे वाली एक आवर हैंड जो घंटे वाली सुई होती है वो कितना मूव करती है वो मूव करती है इक्वल टू फाइव मिनट्स जो सिक्सटी मिनट्स में जब ये सिक्सटी मिनट्स जो मिनट हैंड सिक्सटी मिनट्स घूम जाती है तो आर हैंड कितना घूमती है फाइव मिनट्स ये आवर हैंड की बात कर रहा हूं मैं आर हैंड जो मूव करेगी वो फाइव मिनट्स मूव करती है तो वन मिनट कितना इक्वल हो जाएगा वन मिनट ऑफ आर हैंड विल बी फाइव बाय सिक्सटी फाइव बाय सो फाइव वन जाओ इट विल भी वन बाई देखो ना अगर 60 मिनट्स मूव करती है जो ये पूरा 60 मिनट्स मूव करती है कौन सी जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट्स मूव करेगी तो आवर हैंड कितना मूव करेगी फाइव क्योंकि पूरा देखो दो बज रहे हैं तो तीन बजे तक आने में इस वाली को तो पूरा चक्कर काटना पड़ेगा ना मिनट हैंड को पूरा चक्कर काटना पड़ेगा जब वो दो से तीन पे आएगी तो 60 मिनट मतलब ये मूव करती है फाइव मिनट तो वन मिनट का मतलब है वो वन बाई मूव करेगी वन बाई ठीक है लेकिन अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से देखो वो कितना मूव कर रही है वन मिनट में वन बाई ट्वेल्व लेकिन वो फोर्टी पे जा चुका है तो फोर्टी मिनट्स में कितना मूव किया फोर्टी मिनट्स में कितना मूव किया वन बाई ट्वेल्व इंटू फोर्टी फोर थ्री जा फोर टेन जा यानी कि इसने मूव किया टेन बाई थ्री टेन बाई थ्री मिनट्स मूव किया अब देखो एक मिनट में कितना एंगल कवर होता है सिक्स डिग्री एक मिनट में एंगल कवर हुआ सिक्स डिग्री तो टेन बाय थ्री में कितना हुआ टेन बाय थ्री मिनट्स में हुआ टेन बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय सिक्स थ्री टू जा सो इट विल बी ट्वेंटी डिग्री तो इसका मतलब देखो ये टू से कितना डिग्री आगे आ चुकी है टू से कितना डिग्री आगे आ चुके हैं हम ट्वेंटी डिग्री टू से कितना डिग्री आगे आ चुके हैं ट्वेंटी डिग्री ओके टू से ट्वेंटी डिग्री आगे आ चुके हैं तो इसका मतलब वो ट्वेंटी जो है वो माइनस हो जाएगा ना ये वाला ट्वेंटी माइनस हो जाएगा तो कितना बचा वन एटी माइनस ट्वेंटी इट विल बी वन एटी माइनस ट्वेंटी तो जो एंगल रिक्वायर्ड है जो हमें एंगल चाहिए किसके बीच का एंगल कि टू फोर्टी कितना एंगल बनेगा वो बना वन फोर्टी डिग्री ये एंगल बनेगा वन फोर्टी डिग्री थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा अब देखो इसको ना जल्दी जल्दी करते हैं शॉर्टकट में एक और क्वेश्चन करूँगा मैं ठीक है एक क्वेश्चन कर लेता हूँ चलो मैं मैं कहता हूँ कि फाइव ओके फाइव और इसको ले लेते हैं टेन जब फाइव टेन हो रहे हूँ पाँच बज के दस मिनट पे तो एंगल कितना आएगा मिनट हैंड और आवर हैंड में पाँच बज के दस मिनट पहले तो हम बनानी पड़ेगी क्लॉक फिर से क्लॉक बहुत ज़रूरी है ओके okay, देख लो अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन अब ये कह रहा है पाँच बज के दस मिनट हो चुकी हैं तो इसका मतलब दस मिनट हो चुकी हैं तो मिनट हैंड कहाँ पे है टू पे क्योंकि पाँच बज के दस मिनट देखो यहाँ पे होती है पाँच बज के दस मिनट हो चुकी हैं और पाँच से थोड़ा सा आगे चली गई है आवर हैंड पाँच से थोड़ा सा आगे चली गई है कौन सी हैंड आवर हैंड क्योंकि भाई पाँच बज के दस मिनट हो रही है ना तो पाँच से थोड़ा तो आगे जाएगा ना तो ध्यान से समझना अब अब देखो मैं क्या करने वाला हूं देखो पाँच दस पंद्रह वाई आई एम टेकिंग देखो ना इनके बीच में कितनी मिनट्स होती हैं पाँच मिनट ही तो होती हैं दो और तीन के बीच में कितनी मिनट है पाँच तो देखो पाँच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट में एंगल कितना कवर किया पंद्रह मिनट अब देखो एक मिनट में करता है वन मिनट में कितना करता है सिक्स डिग्री तो पंद्रह मिनट में कितना किया सिक्स इंटू फिफ्टीन नाइन्टी डिग्री पंद्रह मिनट में एंगल देख लो नाइन्टी डिग्री कवर हो गया पंद्रह मिनट में लेकिन देखो पाँच से थोड़ा आगे भी है तो ये वाला एंगल भी कवर करना है देख लो हमने अभी पाँच दस पंद्रह ये लिया है लेकिन पाँच से आगे है सुई ये वाली जो सुई है पाँच से थोड़ा सा आगे है ये कितना आगे है ये दस मिनट में आगे गई है अभी मैंने बोला था कि अगर देखो एक मिनट में वन बाय ट्वेल्व पार्ट कवर होते हैं वन मिनट में कितना पार्ट कवर होता है वन बाय ट्वेल्व तो कितना आगे गया है वो दस मिनट आगे तो दस मिनट में कितना पार्ट कवर होगा वन बाय ट्वेल्व इंटू टेन टू फाइव जा टू सिक्स जाँ तो ये आ गया फाइव बाई सिक्स पार्ट और देखो फाइव बाई सिक्स पार्ट का मतलब क्या है अब इस फाइव बाई सिक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे से सिक्सटी सिक्स से क्यों क्योंकि देखो एक मिनट में कितना एंगल कवर होता है सिक्स डिग्री तो फाइव बाई सिक्स में कितना एंगल किया फाइव बाई सिक्स मल्टीप्लाई बाई सिक्स तो सिक्स टू सिक्स कैंसिल आउट यानी कि फाइव डिग्री ये आ गया देखो नाइन्टी डिग्री ये आया फाइव डिग्री ये आया नाइन्टी फाइव नाइन्टी डिग्री ये और फाइव इस बार देखो इस बार ऐड करेंगे आप सब्ट्रैक्ट देखो ना भाई आगे जा रहे हैं पहले हमने एक पहले वाले में सबट्रैक्ट किया था क्यों क्योंकि ये पीछे बच गया था एंगल लेकिन इस बार देखो ना घड़ी के हिसाब से आगे जा रहे हैं तो 90 प्लस फाइव एंगल विल रिक्वायर्ड एंगल विल बी 95 डिग्री 95 डिग्री आंसर आएगा ओके okay. चलो आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं मैं व्हेन इट इज 9 10 9 बज के अगर 10 मिनट हो रही है तो एंगल बताना कितना आएगा ओके ट्राई टू वॉच द वीडियो इन रिपीटेड मोड आसान है वो अगर करने की कोशिश करोगे इस कंसेप्ट को समझ के तो हो जाएगा नौ बज के दस मिनट पे जो है वो एंगल बताना है कि नौ बज के दस मिनट पे मिनट और आर हैंड में कितना एंगल आएगा यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन योर आंसर